दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 300 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके आने वाले आईडीबीआई पीओ एंड एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक सीरीज है जिसमें 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आने वाले दिनों में आपके एग्जाम से पहले। कोशिश मैं करूंगा कि सभी का सभी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाए, लेकिन जो भी वीडियो हो सके सबका सब वीडियो देखना और एंड तक देखना। वीडियो लेंथी होगा तो उसको 2 से 3 बार में जो है आप इसको कवर करो, लेकिन सारे क्वेश्चंस कवर करके जाना आपको एग्जाम में जाने से पहले। आप बाद में मुझे थैंक करोगे क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस वहां दिखने को मिलेंगे वहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो से आपको दिखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप जो है बैंक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले और उसको आप उसी टाइम पर कवर कर लो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बैंक फॉर सक्सेस के बारे में रिकमेंड करना। आप दोस्तों बैंक एग्जाम प्लस सब्सक्रिप्शन आपने अगर नहीं लिया है अकेडमी का तो आप ले सकते हो, ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मेरा भी जो है एक जीए का कोर्स स्टार्ट होने वाला है और वो कोर्स जो आपको एसबीआई पीओ एलआईसी एओ एंड नवार्ड ग्रेड के लिए टारगेट करेंगे, जिसमें आपको 1100 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जितना भी डिटेल्ड हो सकता है। कि अगर आप मेरे कोर्सेज देखें, इवन कैनेडा वगैरह का जो एग्जाम हुआ था, ढेर सारे क्वेश्चन जो आपको मेरे वीडियो वगैरह से आपको आते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम लोग उतना सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सबका सब इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप आंसर करोगे, मैं पूछूंगा और वहां पर डिस्कशन चलता रहेगा, लाइव क्लास है वो पूरा का पूरा। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में जब पूरा फ्रेश होकर जाओगे आप पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाओगे और वहां पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो आप जितने भी लाइव क्लासेस वगैरह हो रहे हैं, जिस भी एजुकेटर्स के हो रहे हैं, सभी के सभी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल लाइव क्लास, ऑल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, आप जो है आप जो भी मान लो अगर आप 6 महीने करते हो तो 6 महीने तक आप सभी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली क्विज, सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी एजुकेटर का। अगर आप ये कोड यूज करते हो बैंक फॉर सक्सेस तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो रिकमेंडेड रहेगा 6 या 12 मंथ लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में ढेर सारे एग्जाम अभी पेंडिंग है। ये प्रमोशन मत समझना, बस एक तरह का सजेशन दे रहा हूँ आपको, रिकमेंडेशन है, वो है प्रमोशन नहीं है, मुझे पैसे इसके नहीं मिल रहे हैं। विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, किसने जो है पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है वो भी फ्लोटिंग, ये आपको जो पानी के ऊपर जो एक तरह से प्लांट वगैरह जो है वो फ्लोटिंग होता है, फ्लोट करता है, उस तरह का प्लांट जो टेस्ट करने का जो है कोशिश किया है और वो सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है, तो वो किसने किया है, रशिया ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन कार लोन। ग्रीन कार लोन जो है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए देश में जो है इमिशन को कम करने के, जो व्हीकल्स रिलेटेड इमिशंस होते हैं जो आपको क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वैसे इमिशंस को कम करने के लिए किस बैंक ने ग्रीन कार लोन जो है वो इलेक्ट्रिक कार को बाय करने के लिए लॉन्च किया है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ये इनिशिएटिव SBI ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब गुजरात हियर गुजरात देयर, ये एक बुक जो है वो लिखी गई है। ओके, एक तरह से सरकास्टिक बुक भी है, इसमें आपको कई सारी चीजों पर उन्होंने जो कृष्णा सोबती उन्होंने कई सारे फैक्टर्स पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये बुक जो है आपको टाइटल्ड है अ गुजरात हियर गुजरात देयर और ये ऑथर कौन है उसका, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती जी ने ये बुक को लिखा है, उनकी जो है ये पब्लिक ये ऑथर जो है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट रिसेंटली हाइक द कस्टम ड्यूटी ऑन व्हीट व्हाट परसेंट टू कर्व इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि सरकार जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी कब इंक्रीज करती है। ओके, कि जब देश में जो है अगर मान लो अब होगा क्या कि बाहर से इंपोर्ट है, क्या मतलब हुआ कि आप दो चीजें होती है, आपको इंपोर्ट होता है और दूसरा आपको एक्सपोर्ट होता है, EXPOT। एक्सपोर्ट तब करते हैं जब आप देश से सामान को किसी और देश, अपने देश का बना हुआ प्रोडक्ट आप विदेशों में बेचते हैं, मतलब आप फॉरिन कंट्री को बेचते हो। लेकिन इंपोर्ट क्या होता है, जब अपने देश में आप फॉरिन कंट्री से लेकर आते हो सामान खरीदते हो, जैसे आप अपने देश में ऑयल होती है, क्रूड ऑयल वगैरह जो है हम लोग कहाँ से, ईरान या जो सऊदी कंट्रीज वगैरह हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहाँ से या US वगैरह से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। तो चूंकि अपने देश में जो है आपको वीट की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए अब मान लो जो यहाँ के बिजनेसमैन वगैरह होंगे वो अगर बाहर से उसका इंपोर्ट करा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसका इंडस्ट्री है उनको किसानों को जो उसका लॉस होने वाला है। ओके, ये सही दाम नहीं मिल पाएगा, इसलिए सरकार उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ड्यूटी वगैरह हाइक करती है, ये 40% जो है सरकार ने हाइक कर दिया है। ओके, तो अब क्या होगा कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होगा,
कि अगर मान लो कोई वहां से इंपोर्ट करा रहा है तो 100 रुपये है, तो आपको अब वो उस पर 40% और उनको पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी इंपोर्ट करा रहेगा वो नहीं करेगा, वो देश में ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज फॉर्मड अ पैनल टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन माइक्रो इंश्योरेंस। ये माइक्रो इंश्योरेंस पर जो एक एग्जिस्टिंग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ओके, जो पुराना एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें उसको रिव्यू करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए जो है ये कमिटी बनाई गई है, पैनल बनाई गई है। और वो पैनल किन के नेतृत्व में बनाई गई है? वो बनाई गई है सुरेश माथुर के नेतृत्व में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन जून 2019। जून में जो G20 समिट होने वाला है, G20 मतलब जो दुनिया के सबसे 20 जो है आपको ग्लोबल पावर्स है, आर्थिक शक्ति है, उनका एक सम्मेलन है। और उसमें उसका सम्मेलन जो है वो जून 2019 में होने वाला है, और वो हर साल ये सम्मेलन होता है। और इस साल का सम्मेलन कौन होस्ट करेगा? ये जापान होस्ट करने वाला है, ओसाका। ओसाका एक शहर है, वहाँ पर जापान के ओसाका शहर में इस बार ये होने वाला है, ओके। आप आंसर मार्क कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में ओसाका आए, सिटी दिया जाए, तो आप ओसाका मार्क करना। अगला जो है 2020 में आपको वो रियाद जो है वो करने वाला है, ओके। और 2022 में इंडिया आपको करेगा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, कि जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी होती है, बैंकिंग सेक्टर के जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है उसमें रिसर्च वगैरह करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। और वो इंस्टीट्यूट जो है आपको अभी रिसेंटली उन्होंने 5G यूज केस लैब जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लॉन्च किया हुआ है। और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, देखो आप क्वेश्चन में दो तरीके से पूछ सकते हैं, कि IDBI PO जो है न्यूज में बना हुआ है तो उसका आपको फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या ये आपको IDBI PO जो है वो कहाँ पर है, ये इंस्टीट्यूट जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। या आपको और भी कई सारी चीजें बनती है, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये जो है किसका आर्म है, IDBI DRBT जो है वो किसके अंतर्गत वर्क करता है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो एक जब भी कभी न्यूज में बना रहता है तो इस पर आपको कई सारी चीजें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उसके डायरेक्टर का नाम पूछ सकते हैं, कब स्थापना हुई थी ये पूछ सकते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चंस बनता है आपको न्यूज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उससे। और चूंकि ये उतना पॉपुलर मतलब नॉट सो नोन जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है, तो आप इसको ध्यान रखो कि IDBI का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना। इसका जो इंस्टीट्यूशन है एक ही आपको है, कैंपस है, और वो हैदराबाद में है, ओके। दूसरा, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, ये RBI के अंतर्गत, पर इसका पूरा का फंक्शनिंग जो है वो RBI के अंडर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर AS रमाशास्त्री इसके डायरेक्टर हैं, ओके, AS रमाशास्त्री इसके डायरेक्टर हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। हालांकि कम चांस बनता है पूछने का, लेकिन ऊपर के जो क्वेश्चन हैं वो सब आपको पूछ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? RBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर NRIs, कि जो बाहर विदेशों में रहते हैं, भारतीय लोग जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए बिना पेपर वगैरह का कुछ भी, अगर बिना पेपर वगैरह दिए आपको एक पेपरलेस अकाउंट, पेपरलेस कहने का मतलब जो आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह डालते हो, तो वो चीज़ को हटाकर जो है इन्होंने एक अकाउंट ओपनिंग NRI अकाउंट वगैरह जो है ओपन करने के लिए पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और वो कौन से बैंक ने किए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों किया गया है आपको IDBI बैंक के द्वारा, ओके। आप सभी को IDBI बैंक के बारे में पता है, इवन हम लोग पढ़ भी रहे हैं, IDBI बैंक के लिए ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ओके। और साथ ही साथ अब IDBI में कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास है? LIC का है, ओके, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्टे डैम जो है अभी रिसेंटली आपको न्यूज में था, क्योंकि यहां पर जो है एक काफ़ी बड़ा कल्चरल हेरिटेज साइट है और काफ़ी फेमस है, इवन कई सारे मूवीज वगैरह में इसको दिखाए गए हैं। लेकिन अगर आप अभी जो न्यूज़ में है वो किस कारण से है, कि यहाँ पर एक जो फायर हो गई थी, आग लग गई थी, और उसके कारण से काफ़ी क्षति हुआ है इस हेरिटेज को, जो कल्चरल हेरिटेज है उसको काफ़ी क्षति हुआ है। तो ये कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली SFIO वाज इन न्यूज फॉर अरेस्टिंग रमेश सी बाबा, XMD and CEO ऑफ LFS। अब सभी को LFS क्राइसिस पता है, लास्ट ईयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंस का जो सर्विसेज थी उसके में कई सारे घपले वगैरह हुए थे, जिसके कारण से जो ये कंपनी जो है 90,000 करोड़ का आपको डिफॉल्ट हो गया था। बाद में उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई, शेयर मार्केट गिरा, ढेर सारे उसके फैक्टर्स बने, एंड देन जाकर जो है उसके जो XCO वगैरह थे रमेश सी बाबा को, उसको SFIO ने अभी रिसेंटली अरेस्ट किया है। तो आपको पता ना कि जो SFIO ऑर्गेनाइजेशन है,
ओके कि जो SFIO ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो है इसमें F क्या रिप्रेजेंट करता है, SFIO के ऑर्गेनाइजेशन में F क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो दोस्तों SFIO का फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह में फ्रॉड वगैरह होती है खास करके उसके जो है ये जो है आपको करती है, जो कंपनी वगैरह में फ्रॉड होती है उनके लिए ये बनाया गया। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है। अभी अपने कुछ दिन पहले ICICI बैंक के जो हेड हैं उनके ऊपर भी जो है इसका इनका छापा वगैरह देखा होगा, उसके कई सारे जगह पर जहां पर भी घपला वगैरह हो रहा है तो वहां पर आपने छापा से रिलेटेड इनका न्यूज में नाम सुना होगा। ओके तो SFIO का आपको फुल फॉर्म याद रखना, आप उससे आपको क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के शिवा रेड्डी हैज बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2018 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल पक्कई ओटीगिलाइट पक्की पता नहीं है, इट्स अ तेलुगु वर्ड जो कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे से उच्चारण हो नहीं रहा था, अगर कोई तेलुगु वाले लोग देख रहे हैं तो वो आपको इसको उच्चारण कर सकते हैं बट पता नहीं आप इसको जो है इसका नाम है टर्निंग असाइड वाइल लाइंग डाउन। ओके टर्निंग असाइड वाइल लाइंग डाउन जो है इसका पूरा इंग्लिश में इसका अनुवाद होता है और वो पोएट कहाँ का थे तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि वो तेलुगु के पोएट थे। ओके कि तेलुगु भाषा के जो है वो पोएट थे, उनकी एक कृति है आप इसको याद रख सकते हो, इवन कई बार आपको क्वेश्चन जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है क्या नाम है उस चीज़ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो सरस्वती सम्मान जो है वो इस बार दिया किसको गया, के शिवा रेड्डी को। के शिवा रेड्डी का कृति क्या था, किसके लिए दिया गया, ये वाली चीज़ के लिए दिया गया, वो कौन सी है, तेलुगु के पोएट हैं, तेलुगु भाषा में ये लिखी गई कविता है। और दूसरी बात कि जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है ये हर साल किनके द्वारा दिया जाता है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है हर साल ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस जी वेदियन हैज बीन चूजन हैज बीन अवार्डेड द फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडन, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडन के जो है अवार्ड उनको मिला इन रिकॉग्निशन ऑफ हर वर्क टू प्रमोट इंश्योरेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूके, सी इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, कि भारत और लंदन के बीच में, भारत और यूके के बीच में जो है इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए एलिस जी वेदियन को ये अवार्ड दिया गया, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन जो है वो अवार्ड दिया गया। अब आपको क्वेश्चन पर ये पूछा गया है कि जो वो अभी प्रेजेंट सीईओ जो प्रेजेंट चेयरमैन एंड एमडी है मतलब सीएमडी जो अभी है वो कौन से इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो प्रेजेंट में सीएमडी है, तो दोस्तों वो जीआईसीआरडी है। ओके जो जीआईसीआरडी है उनकी वो हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएन हैज अवार्डेड कन्याश्री प्रकल्पा, ये स्कीम जो है उसको यूनाइटेड नेशंस ने अभी अवार्ड दिया है और आपको बताना है कि फॉर हाईएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड, ओके ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट विथ इट्स हाईएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड के रूप में जो है ये यूनाइटेड नेशन का जो हाईएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड है उससे इस स्कीम को नवाजा गया है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये स्कीम जो है वो कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत की कौन सी स्टेट की सरकार है जिसने जो कि ये प्रोग्राम चला रही है। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम चला रहा है वो आपको वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें मकसद है कि जो गर्ल्स एजुकेशन है, जो खास करके बच्चियां हैं जो कि लड़कियां हैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करना इसका मकसद है, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। एक और स्कीम है जिसको कि यूएन ने जो है अभी रिसेंटली अवार्ड प्रोवाइड किया था और वो भी आपको वेस्ट बंगाल सरकार का ही है, वो है सबूज साथी जो है स्कीम जो है वो बाइसाइकिल जो साइकिल वगैरह होते हैं खास करके छात्रों को और जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनको जो है टारगेट करके ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और वो भी कौन सा है, क्लास 11 एंड 12 में जो स्टडिंग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है ये बाइसिकल प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। इसने भी वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा अवार्ड ऑफ हैज द प्रेस्टिजियस ये वाला अवार्ड इनको मिला है, यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड है वो इनको दिया गया। तो दोनों स्कीम याद रखना, को भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अवार्डेड इट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किसने जो ये वाला अवार्ड दिया हुआ है। दोस्तों अभी पीएम मोदी को कई सारी सरकार ने जो है अवार्ड दिया है, सऊदी अरेबिया से भी अरेबिया ही है, वहाँ से भी है, आपको रसिया से है, साउथ कोरिया से है, आपको कई सारे अवार्ड वगैरह मिले हैं तो वो सारे अवार्ड याद रखना, किसी में भी आप कन्फ्यूज मत करना, वो सारा का सारा आपको क्वेश्चन में बन सकता है। ओके तो सी नंबर आपका आंसर है, रसिया ने ये अवार्ड दिया था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द VC ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है JMU जो है आपको दिल्ली में उसका VC कौन, वाइस
चांसलर किनको नियुक्त किया गया है। तो सी इज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ पोस्ट एट जामिया, कि जामिया की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है और वो कौन है, तो वो है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर को जो है ये बनाया गया इस बार वीसी। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो AMFI है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीजें देखता है इंडिया में, उनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया और उसके अनुसार कि भारत का सबसे बड़ा एसेट जो भारत का सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी कौन बनाया। ओके, तो AUM का मतलब होता है, यहां पर फुल फॉर्म है AUM का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। दो चीजें होती है आपको, ARC होता है और AUM होता है, कंफ्यूज मत करना, कई बार आपको एग्जाम में इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो आपको जो है AUM से, उसी को जो हम लोग AUM कंपनी बोलते हैं। ओके, एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी होती है ये। ARC जो है वो NPS रिलेटेड है। ओके, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो NPA वगैरह से को खरीदती है एंड देन उसको रिस्ट्रक्चर वगैरह करके आपको बेचती है, तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वो NPA से रिलेटेड होता है। और AUM जो है वो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है। तो अभी जो है HDFC AMC जो है वो सबसे बड़ा एसेट। यहां पर देखो AUM के बाद एक और वर्ड आता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, ये भी आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बोले या आप उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, AMC बोलते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखना कि। और AUM क्या हुआ कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना एसेट जो है उनके मैनेजमेंट के अंदर, AMC के अंतर्गत कितना एसेट जो है उनके अंदर मैनेजमेंट में है, तो 3.42 trillion का जो है एसेट HDFC के अंतर्गत है और उसके कारण से उन्होंने टॉप स्पॉट गेन कर लिया है। अब वो जो है भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म रिसेंटली लॉन्च एंथोस, अ न्यू ओपन क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यूजर रन एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर, कि रिसेंटली जो है ये एंथोस प्लेटफॉर्म, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालगंज टू रायसीना, गोपालगंज जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का एक जिला है गोपालगंज, एंड गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी। ओके, ये बुक जो है अभी एक ऑटो बायोग्राफी है जो कि अभी लिखी गई है, और वो किनके, किस पर बेस्ड जो है ये आपको बताना है। दोस्तों ये जो है लालू प्रसाद यादव पर है। ओके, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके पर ये बुक लिखी गई है, गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी। चूंकि वो गोपालगंज से बिलोंग्स करते थे, बिहार के एक गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते थे, इसलिए उन पर जो है ये लिखी गई है। और रायसीना जो आपको दिल्ली में है, पॉलिटिकल पार्टी रायसीना हिल्स बोलते हैं। ओके, तो यहां पर उनका जो जर्नी है उस पर बुक लिखी गई और वो लालू प्रसाद यादव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज रिसीव्ड एन इनफ्लाइट एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी, कि इनफ्लाइट और मेरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए जो है लाइसेंस किसको मिला है, DOT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा, वो मिला है BSNL को। ओके, भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड को जो है ये अब अप्रूवल मिल गया कि वो अब इनफ्लाइट एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CS रंजन के बारे में, CS रंजन को रिसेंटली न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको ILFS से एक और क्वेश्चन बताया था जहां पर कि मैंने SFIO के बारे में आपसे पूछा था। ओके, कि उसके XMAD वगैरह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी दूसरा न्यूज है ILFS से, यहां पर आपको CS रंजन को नियुक्त किया गया है, तो CS रंजन जो है वो ILFS के नए MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज सिक्योर्ड द अप्रूवल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन माइंडट्री। माइंडट्री एक IT कंपनी है जो आपको जिस तरह से TCS, इंफोसिस ये सब है, उसी तरह से माइंडट्री भी इंडिया में एक IT कंपनी है, और इसमें जो है अभी रिसेंटली किसने अपना कंट्रोलिंग स्टेक ग्रहण किया है, 60% या 62% के लगभग जो है इसका शेयर खरीद लिया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वो आपको शेयर उन्होंने खरीद लिया है। तो कंट्रोलिंग स्टेक का मतलब होता है 51%। ओके, कि जैसे ही आपके पास 51% आता है तो मतलब आपसे ज़्यादा किसी के पास और नहीं हो सकता है, कि जो आपका कंपटीटर होगा वो 49 पर ही होगा, लेकिन 50 का मतलब क्या होता है, अगर आपका 50 है तो दूसरे के पास भी 50 हो सकता है, तो आप कंट्रोलिंग स्टेक में नहीं आते हो, इसलिए 51 और 51 से ज़्यादा
अगर आपके पास शेयर आते हैं तो आप कंट्रोलिंग स्टेट में होते हो, मतलब मालिकाना हक आपके पास आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, LNT, लार्सन एंड टर्बो जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फायंग विलेज जो है ये पहला भारत का कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट विलेज बना है। ओके, तो ये विलेज है कहाँ पर, ये विलेज दोस्तों मणिपुर में है। मणिपुर जो आपको जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है वहां का एक विलेज है, यह विलेज आपको जो कि भारत का पहला फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट बना स्टेट बना हुआ है। Who among the following has been selected as the new president of World Bank? World Bank के नए प्रेसिडेंट के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है, तो World Bank के नए प्रेसिडेंट के रूप में जेरोम पॉवेल की नियुक्ति की गई है। ओके, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड सो दैट आई कैन ड्रिंक सम वाटर। ओके, तो आप जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी, जेरोम पॉवेल जो था वो ही वाज द प्रीवियस वन, सॉरी दोस्तों गलती हुई, जेरोम पॉवेल थे, अभी जो है वो डेविड मालपास बने हैं, डेविड मालपास नए हैं। ओके, ये करेक्ट कर लेना, मेरे से गलती थी, सॉरी सिली मिस्टेक था ये। डेविड मालपास जो है वो नए प्रेसिडेंट बनाए गए, जो वर्ल्ड बैंक का नए प्रेसिडेंट है, 13th प्रेसिडेंट के रूप में डेविड मालपास की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन इंडस्ट्री CII रिसेंटली अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ 1990, तो विक्रम किरोस्कर को जो है उन्होंने नियुक्त किया अपने प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अभी रिसेंटली आपको RBI मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो जारी की गई, बायमंथली पॉलिसी जारी की गई, उसमें MSF जो है वो करंट MSF रेट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। MSF होता क्या है कि इट इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द RBI इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, कि ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं इसको, MSF का मतलब होता है ओवरनाइट बोरोइंग। ओके, इमरजेंसी सिचुएशन में आप जो है RBI से मनी बोरो कर सकते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में ऐसा जो करंट रेट जो आपको RBI कौन से रेट पर वो पैसा उपलब्ध कराती है, वो 6.25 इंटरेस्ट रेट पर जो आपको पैसा उपलब्ध कराती है आपको। नेक्स्ट है, इन अ बिट टू फर्दर इम्प्रूव, अब देखो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि आखिर ऐसा क्या सिनेरियो बनता है कि मान लो जैसे अब ये हो गया कि 6.25 हो गया, तो अगर मान लो 6.25% है, अगर RBI जो है इसको कम कर देती है, इसको 6 करती है या इसको बढ़ाकर 6.50 कर देती है, मुझे आप ये बताओ इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस तरह से आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, किस तरह से आपने एप्लीकेशन समझा इन चीज़ों का, वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि जो RBI है वो अगर नेक्स्ट पॉलिसी में इसको 6.25 को 6.50 करती है तो उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका लिक्विडिटी पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों जो है उसको बढ़ाना चाहती है, ये चीज़ आपको बताना है, और यह इसको क्यों कम कर रही है, अगर मान लो 6 कर दिया तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मनी जो है अवेलेबल है मार्केट उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। हिंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन अ बिट टू फर्दर इम्प्रूव द कैश पोजिशन ऑफ बैंक्स, RBI has tweaked LCR norms. Here the term LCR means कि LCR जो होता है वो होता है लिक्विडिटी कन्वर्जेंस रेशियो। ओके, कि लिक्विडिटी कन्वर्जेंस रेशियो जो है ये आपका सॉरी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आप इसको बोल सकते हैं, LCR को कन्वर्जेंस नहीं कवरेज है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यहां पर आपको मान लो टर्म्स वगैरह के रिलेटेड आपको के बजाय आपको लेटर्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना कि इसका आंसर ए है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन ऑथर्ड बाय फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर YB रेड्डी, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम है इंडियन फिक्सल फेडरलिज्म। नेक्स्ट है, डैश लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली फ्लेज्ड 5G मोबाइल नेटवर्क रिसेंटली, कि पूरा का पूरा पहला जो है फुल्ली फ्लेज्ड 5G मोबाइल नेटवर्क किसने लॉन्च किया है, कई सारे कंट्रीज पर काम कर रही है और किसने सबसे पहला काम कर लिया है, वो है साउथ कोरिया। ओके, यहाँ पर वैसे भी इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF। ओके, आप सभी ने अभी रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में FATF के बारे में पढ़ा होगा, पाकिस्तान से रिलेटेड है, कि भारत सरकार दबाव बना रही है
ये एफएटीएफ में पाकिस्तान को ये ग्रे लिस्ट रेड लिस्ट का जो है चर्चा होती रहती है। तो वो एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ का जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती है पूरा का पूरा देश देश विदेश में उस पर ध्यान रखती है। उसमें जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, तो ये बेस्ड है पेरिस में। हम लोगों ने पेरिस से अभी एक और देखा था नॉर्टे डेम, ओके दोनों ध्यान रखना। और दोस्तों इसका अगर आप बात करें एफएटीएफ को फुल फॉर्म क्या था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आगे मगर क्वेश्चन आ गया आप वो भी सॉल्व कर लेना, अदरवाइज अगर नहीं आया तो ध्यान रखना इसका होता फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी नया रुपीज 20 का जो है नया नोट आया हुआ है और वो नोट का डायमेंशन आपसे पूछा गया, इवन डायमेंशन क्या आपको सब कुछ पूछा जाएगा, इसका डायमेंशन कलर बैक में क्या है, कौन सा मतलब हेरिटेज साइट है, वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। कलर जो है वो ग्रीनिश येलो रखा गया है, एलोरा केव इसके पीछे में है, इसका 63x129 डायमेंशन रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट ऐप हैज कोलैबोरेटेड विद द एगॉन लाइफ जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ किसने टाइप किया है टू लॉन्च रुपीज 20 स्मार्ट डिजिटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ओके कि रुपीज 20 स्मार्ट डिजिटल प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने के लिए किसने एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाइप किया, किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने टाइप किया हुआ है। आपका ऑप्शन है मोबीक्विक, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे। तो दोस्तों मोबीक्विक ने जो है यह टाइप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसी विल बी मर्ज्ड विद बंधन बैंक। बंधन ऑलरेडी मर्जर हो चुका है अप्रॉक्स कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, तो ये बंधन बैंक के साथ जो है कौन सी एनबीएफसी मर्ज हो रही है, ओके तो ये मर्ज हो रही है ग्रुप फाइनेंशियल लिमिटेड। आप सभी ने सुना होगा कि जो बंधन बैंक के सीईओ थे उनका जो है जो सैलरी था वो रोक दिया था आरबीआई ने, क्योंकि जो लिमिट है आपको 40% से कम करना होता है लिमिट, बाद में फिर आपको 20% से भी कम करना होता है, अपना खुद का पर्सनल स्टेक जो होता है वो कम करने के लिए आरबीआई रिकमेंड करती है, ओके तो इवन आपको कोटक महिंद्रा का बैंक जो उदय कोटक है उनके ऊपर भी दबाव बना रही है, क्योंकि उनका भी ढेर सारा शेयर है कोटक महिंद्रा में, उसको भी दबाव बना रही कम करने के लिए। इवन आप अगर ने देखा होगा तो जो यस बैंक था उनको भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया, ओके तो कई सारे अभी अपने बैंक में इस तरह के न्यूज सुने होंगे। तो बंधन बैंक का भी सीईओ का जो है वो रोक दिया गया था सैलरी, तो उसके बाद बंधन बैंक पर दबाव था कि जल्दी से जल्दी वो अपना स्टेक जो है आईटी से कम करे, उसको जल्दी से आरबीआई के रूल के अनुसार कंप्लाई करे, तो इसीलिए उन्होंने ग्रुप फाइनेंशियल लिमिटेड को खरीद लिया, ओके हालांकि एक खराब डील था, काफी महंगा डील साबित हुआ उनके लिए, लेकिन उन्होंने खरीदा और इससे उनका जो स्टेक अब कम हुआ है, 60% के लगभग उनका स्टेक बच गया है। आरबीआई टू बाय ₹10 crore ऑफ बॉन्ड्स इन 2 installments बाय ओएमओ इन मे। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत कितने रुपए का बॉन्ड जो है वो मार्केट से उठाने वाली है। अब इसका भी देखो इम्पैक्ट होता है कि क्यों मार्केट से उठाती है, कितने उठाती है, ये चीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो इस पर पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रिब्यूट बाय आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कि जो सेल और परचेज होता है दोनों चीज़ होता है कि कभी सेल करती है कभी परचेज करती है, जब लिक्विडिटी बढ़ाना होता है तब जो है आपको परचेज कर लेती है और जब लिक्विडिटी घटाना होता है मार्केट में तब सेल करती है, ओके ऑब्वियस ही बात है। मान लो वो अगर खरीद रहे हैं तो पैसा मार्केट में जाएगा, 25,000 crore मार्केट में जा रहा है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, ओके बैंक के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लिक्विडिटी कहने का क्या मतलब है कि मनी ज्यादा आ रहा है उनके पास देने के लिए, ओके अब जब मान लो वो बेच रही है कि बॉन्ड्स बेच रही है आपको खरीदना और ये डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है, तो जो बैंक को उन्होंने बोला कि आपको ये बॉन्ड खरीदना है तो बैंक को खरीदना पड़ेगा, तो उससे क्या मतलब हुआ कि वो जो है वहां पर लिक्विडिटी उन्होंने मार्केट से खींच लिया। अब बैंक अगर बॉन्ड खरीदेगी तो बेसिकली बॉन्ड उनको रखना पड़ेगा, वो तो वो दे ही नहीं सकती कस्टमर को, तो क्या हो गया कि मार्केट से पैसे उठ गए, ओके तो लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है ये सब हथकंडा अपनाते रहती है। आप ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको यही चीजें समझ में आएगी। आरबीआई सोल्ड द इंटायर स्टेक वर्थ ₹10 crore टू गवर्नमेंट, कि आरबीआई ने जो है कितना करोड़ वर्थ का पूरा अपना स्टेक सेल कर लिया है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया, कौन से में स्टेक किसका स्टेक शेयर किया ये मैंने लिखा ही नहीं। तो इसका पूरा का पूरा है कि NHB, अभी अभी आपने न्यूज सुना होगा कि आरबीआई ने NHB एंड NABARD में अपना जितना भी स्टेक था वो सारा का सारा बेच लिया गवर्नमेंट को। और वो क्यों बेचा, कौन सी कमेटी के, तो नरसिम्हन 2 कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार। नरसिम्हन RNAR ऐसा चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत हो तो क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नाम
का स्पेलिंग याद नहीं है। नरसिम्हन 2 कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार जो है आरबीआई ने अपना पूरा का पूरा स्टैक बेच लिया। अब पूरी कंट्रोलिंग पावर जो है, पहले एनएचबी आरबीआई के अंतर्गत फंक्शन करती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा एनएचबी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, जिस पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पूरा का पूरा 100% स्टैक है। अब देखो क्यों किया गया ऐसा, एक मकसद ये भी था कि जो हाउसिंग सेक्टर है, प्रधानमंत्री का जो एक बहुत बड़ा पेट प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, ओके, कि 2 करोड़ आवास जो है रूरल एरिया में, फिर 2 करोड़ शहरी क्षेत्रों में जो गरीबों को घर मुहैया कराना है, और वो पूरा का पूरा हाउसिंग जो है वो आपको एनएचबी के अंतर्गत ही आता है, वही उसको कंट्रोल और मॉनिटर करती है। तो ये अगर एक स्वायत्ता प्राप्त अगर खुद की ऑर्गेनाइजेशन होगी, रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर जो है सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर सकती है, बड़े पैमाने इस पर कंट्रोल कर सकती है। ओके, तो इसी कारण से आरबीआई को जो है ये स्टेक बेचना पड़ा और ये फुल्ली अब गवर्नमेंट कंट्रोल एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक हो चुकी है। सिमिलरली हालांकि नबार्ड में पहले से ही अपना स्टेक बेच लिया था, लेकिन अभी भी 20 करोड़ रुपये का शेयर जो है वो आरबीआई के पास बचा हुआ था नबार्ड का, जिसको कि इस बार आरबीआई ने वो भी बेच लिया, और अब नबार्ड में भी पूरा का पूरा 100% गवर्नमेंट का शेयर। अब देखो इसका भी क्या मकसद है कि जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा आपको नबार्ड देखता है, ओके, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है, आपको हर साल जो है 8 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वो सारा का सारा नबार्ड जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट चाहेगी कि उसमें पूरा का पूरा अधिकार जो है, जो स्वायत्ता हो, वो गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल हो, इसलिए जो है आपको नबार्ड का भी स्टेक गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। ओके, इससे बड़े पैमाने पर रिस्ट्रक्चरिंग करके जो है जो डायरेक्ट बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अगर एनएचबी पूछे सिर्फ, तो वो 1450 करोड़ का शेयर था, ओके, और नबार्ड कितना था, वो 20 करोड़ था, तो टोटल अगर पूछ ले तो 470 करोड़ हो जाएगा आंसर। अगर सिर्फ एनएचबी पूछे तो 450 करोड़ आंसर होगा। यहां पर आपको सारा का सारा दिया हुआ है कि कितना किसका स्टेक था, और आरबीआई के अंतर्गत अब 3 जो है, 3 थे पहले, अब 1-2 ही बच गया है क्योंकि अब ये हट चुका है। ओके, आपके पास अब DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, बच गया है, और दूसरा जो बैंक नोट प्रेस ब्यूरो है वो आपको यहाँ पर बच गया है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अब आप आरबीआई के अंतर्गत फंक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल बाय ₹5000 करोड़ टू डैश इन अलाहाबाद बैंक। आरबीआई ने अपना गवर्नमेंट ने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल जो है अभी इंक्रीज किया है अलाहाबाद बैंक में, और वो कितना किया, 5000 से अब बढ़ाकर 8000 करोड़ का कर दिया है। तो अब देखो ऑथराइज कैपिटल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर दो चीजें, एक ऑथराइज कैपिटल होता है और पेड अप कैपिटल होता है। ऑथराइज कैपिटल मैं आपको बता रहा हूँ, पेड अप कैपिटल आप खुद से पढ़ लेना और डिफरेंस दोनों का समझ लेना। कि ऑथराइज कैपिटल क्या हुआ कि जब भी मान लो शेयर, अगर मान लो जैसे अलाहाबाद बैंक जो है वो कितने रुपए का शेयर जारी कर सकती है, ओके, तो ये चीज ऑथराइज कैपिटल होता था। अगर मान लो 5000 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है तो जो पब्लिक शेयर ये बेच सकती है अपना, ओके, पब्लिकली जो शेयर बेच सकती है वो पब्लिक शेयर ये 5000 करोड़ का ही बेच सकती है। अब ये 8000 करोड़ हो गया तो ये अपना 8000 करोड़, तो मार्केट से जो है ये ज़्यादा पैसा पेडअप जो ऑथराइज कैपिटल था इंक्रीज करने का क्या मकसद था कि अब जो है 5000 करोड़ की बजाय ये मार्केट से 3000 करोड़ और एक्स्ट्रा जो है वो निकाल सकती है, अपना शेयर बेचकर जो है अपने फंक्शन के लिए निकाल सकती है। ओके, तो एक मकसद यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है उसको और भी मार्केट से पैसा निकालने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैज लॉन्च्ड द प्रोडक्ट द बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल लॉस ड्यू टू साइबर अटैक्स। कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया और वो खास करके लॉन्च किया गया बिजनेसेस एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए, जो कि फाइनेंशियल या रेपुटेशनल लॉस होता है, जो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं उससे जो लॉस होता है, तो अपने आप को साइबर जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कराइए, उसमें आपको एक साइबर कवरेज प्रोवाइड करेगी। तो वो है SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके माध्यम से साइबर अटैक्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, साइबर अटैक के अगेंस्ट जो है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इनिशियली ये स्मॉल SMEs वगैरह पर जो है फोकस करेगा, मिड मार्केट बिजनेस पर फोकस करेगा, और बाद में जो है आपको धीरे धीरे अपना बढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट का जो नाम होगा इंश्योरेंस प्लान का, उसका नाम रखेगा साइरस, साइबर रिस्क अंडर राइटिंग एंड सोल्यूशन सूट। ओके, कि जो भी मान लो छोटे बिजनेस वगैरह है तो उनको अगर साइबर अटैक से जो है काफ़ी क्षति हो सकती है, क्योंकि साइबर अटैक में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा अकाउंट खाली होता है, या आपके ऊपर जो है वो लोग को मेलिशियस अटैक कर देते हैं और इससे आपको उसका हर जन आपको वो पैसे आपसे उगाही करते हैं, जैसे रैंसम वेयर वगैरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच SFB हैज बीन अवार्डेड क्लेंट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में इस कौन से बैंक को ये अवार्ड मिला हुआ है,
और वो किस लिए, रीडिजाइनिंग लेंडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेसेस, ओके, कि ये काम करने के लिए ये अवार्ड मिला है। तो ये मिला है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इंस्टा ऑटो लोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये टू व्हीलर और कार के लिए जो है इंस्टेंट लोन है और वो लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएटीएफ के बारे में, जो मैंने पूछा था, मैंने बोला था आपको फुल फॉर्म याद रखना, उसका ए जो है क्या रिप्रेजेंट किया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ ए रिप्रेजेंट करेगा ए सी टी आई ओन एक्शन को। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, सेबी गिव्स नोट टू रुपीज डैश करोड़ एयरपोर्ट फंड, एयरपोर्ट फंड जो नए नए एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं उनके जो है लिए एक फंड जारी किया गया, और उस फंड को जो है ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होती है जिसका कंट्रोल जो है सेबी के अंतर्गत आता है, ओके, इस फंड में 10,000 करोड़ का ये फंड है और उसको जो सेबी ने अपना रिसेंटली अभी अप्रूवल दिया है। तो ये फंड का मकसद रहेगा टेकिंग ऑफ द फ्यूचर एयरपोर्ट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज सेट द लिमिट्स फॉर वेज एंड मींस एडवांस WMA फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। कि WMA में जो है सरकार ने अभी अप्रूवल दिया है, मतलब आरबीआई ने बोला है कि कितना वो प्रोवाइड करेगी ये उन्होंने बता दिया है पहले से। ये टोटल 75,000 करोड़ रुपये जो है वेज एंड मींस एडवांस के रूप में सरकार को प्रोवाइड करने वाली है। आखिर देखो वेज एंड मींस होता क्या है, वेज एंड मीन्स है कि आरबीआई जो है वो टेम्पररी लोन फैसिलिटी है आरबीआई के द्वारा। वेज एंड मीन्स एडवांस होता है कि एक टेम्पररी लोन फैसिलिटी है कि जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो वो जो है सर आरबीआई से लोन ले सकती है। तो उन्होंने ये चीज क्राइटेरिया फिक्स कर दी, इतना करोड़ जो है इस बार हम लोग लोन के रूप में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके, ये आपको ये वैकेट क्या आता है 90 डेज के अंदर इंटरेस्ट करेंटली चार्ज एट द रेपो रेट की, रेपो रेट के दर पे जो है जो भी करंट रेपो रेट होगा उस पर जो आपको ये चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट जो इस पर आपको चार्ज किया जाएगा वो उसी पर चार्ज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर जायंट हैज पार्टनर विद गूगल क्लाउड टू बिल्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड सोल्यूशन, की जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं उनके लिए क्लाउड सोल्यूशन वगैरह बिल्ड करने के लिए गूगल के साथ किसने टाइप किया, गूगल के साथ TCS ने टाइप किया है ताकि स्मॉल जो MSME सेक्टर वगैरह या जो इंडस्ट्रीज वगैरह छोटे छोटे उनको जो है क्लाउड सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। एज पर फॉरवर्ड्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक सर्वे हु हैज बीन आइडेंटिफाइड एज नंबर वन बैंक बाय कस्टमर्स इन इंडिया, कि नंबर वन बैंक के लिए किसने सर्वे में जो वर्ल्ड बैंक के सर्वे सॉरी फॉरवर्ड्स के सर्वे में किसको दिया गया है, वो है HDFC, भारत का जो कौन सा है वो HDFC बैंक को लोगों ने टॉप पे रखा है। ICICI सेकेंड नंबर पे है और सरप्राइजिंगली SBI जो है वो 11th नंबर पे रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डैश ईयर्स टू रिड्यूस इट्स स्टेक बाय 10% इन IDBI, कि IDBI में जो है अपना स्टेक कम करने के लिए 10% से कम करने के लिए जो है वो कितना, मतलब अभी 51 है तो 10% और कम करने को उन्होंने बोला है। तो कब तक का टाइम दिया है, तो 12 ईयर्स का उन्होंने टाइम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद गाइडलाइंस फॉर बैंक्स टू सेट अप न्यू करेंसी चेस्ट विच इंक्लूड अ मिनिमम एरिया ऑफ डैश फॉर स्ट्रॉन्ग रूम, कि करेंसी चेस्ट का जो है जो करेंसी चेस्ट क्या होती है कि जहां पर बैंक नोट्स वगैरह रखे जाते हैं, ओके, तो उसका नया गाइडलाइंस आया, पूरा का पूरा गाइडलाइंस आप पढ़ लेना क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरा एरिया जो होना चाहिए मिनिमम एरिया वो 1200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए एंड जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो 6.6 लाख पीसेस ऑफ बैंक नोट्स पर डे होना चाहिए उस चेस्ट का। उसके अलावा आपको अगर हिली एरिया में है तो वहाँ पर आपको पीसेज होने चाहिए 2.1 लाख का होना चाहिए, ओके, पर डे। अर्लियर आरबीआई अपॉइंटेड कमिटी दैट रिकमेंडेड द एपेक्स बैंक शुड इनकरेज बैंक्स टू ओपन लार्ज करेंसी चेस्ट विथ मॉडर्न फैसिलिटी एंड चेस्ट बैलेंस लिमिट ऑफ एटलीस्ट 1000 करोड़, ओके, कि जो कमिटी थी उसने रिकमेंड किया था जिसके बेस पर जो है ये चेंजेज वगैरह किए गए हैं, ओके। दोस्तों 3 क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यार इट्स टू हॉट आउट देयर, सो थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है बीच में। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, ये भी देख लेते हैं फटाफट 3 क्वेश्चन। हु विल टेक ओवर एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉम 1 जुलाई। देखो ये करनाम शेखर जो है वो नए बन रहे हैं और 1 सेकेंड वो बन रहे हैं और नीचे आपको और 3 नाम दिया हुआ है, ये 3 नाम याद रखना क्योंकि ये भी चेंजेज नए चेंजेज किए जा रहे हैं, नए लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। NTPC हैज इंक टर्म लोन एग्रीमेंट वर्थ 2000 करोड़ विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, कि NTPC ने जो है अभी नया एक
लोन सेंशन जो है मतलब टर्म लोन जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया 15 साल के लिए, और वो कौन सी बैंक के साथ किया, तो वो किया उन्होंने केनरा बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसी इज सेट टू मर्ज विद लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक के साथ जो है कौन सी एनबीएफसी मर्ज हो रही है, तो जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है वो अपने आप को मर्ज कर रही है किसके साथ, लक्ष्मी विलास, मतलब लक्ष्मी जो है अब ये इनको खरीद लिया है, इसने इनको खरीद लिया। तो चलो दोस्तों 50 क्वेश्चन थे आज, और थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ होगा मुझे लग रहा है, और कोई नहीं, आप इसको 102 बार में देख लेना, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ बैंक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के बीच में इसको रिकमेंड करो बैंक फॉर सक्सेस को, और वीडियो को लाइक करें, और अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी का क्वेश्चन का आंसर गलत है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए बैंक फॉर सक्सेस।